हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर है यामा के सबसे ज़्यादा हॉट प्रोडक्ट, जो कि है यामा RM5 V3, और यहाँ पे है MT का फर्स्ट वर्जन। तो आप सबसे ज़्यादा लोग यामा पर अगर परचेस करने जाते हैं तो इन्हीं दो बाइक्स को कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो है सबसे ज़्यादा लुक्स में यही आपको जो है हेड टर्नर टाइप की बाइक है, और लुक्स में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, और जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा फेयरिंग में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लुकिंग की बाइक है। और जो है MT तो अपने लुक्स के लिए फेमस है ही, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो है इनको लेने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको जो है RM5 कंसिडर करनी चाहिए या फिर कंसिडर करनी चाहिए MT। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करूँगा कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो है अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो है इन दोनों में से परचेस करते टाइम जो है 3-4 बातें जो है ध्यान रखनी है, तो उसके बेसिस पे आपको जो है डिसीजन लेना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। फर्स्ट चीज़ जो है, देखो दोनों ही बाइक यामाहा की हैं, दोनों में सेम इंजन आता है, और जो है परफॉर्मेंस लगभग सेम है, लेकिन जो है इसकी टॉप स्पीड ज़्यादा है, उसकी टॉप स्पीड कम है, क्योंकि वो नेकेड बाइक है, ये फेयरिंग बाइक है, उसका एडवांटेज तो इसे मिलेगा ही। और अगर मैं जो है माइलेज की बात करूँ तो जो है 45 के आसपास का ये दे देती है और 50 का ये दे देती है, क्योंकि जो है इतना लो स्पीड में ये नहीं जाती है और ये चली जाती है, तो उसका काफ़ी सारी चीज़ों में चेंजेस आएगा। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले आपको जो है नोटिस करना है कि आपको जो है कौन से राइडिंग पोस्चर की बाइक चाहिए। अगर आपको जो है स्ट्रेट बैठना है और टूरिंग वगैरह करनी है, डेफिनेटली आप जो है MT की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको जो है एक स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक चाहिए, जो कि मिल ही जाती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका जो राइडिंग पोस्चर है आपको काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव मिलता है। तो इसमें जो है आपको, अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात बताऊँ तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि जो है क्योंकि इसका जो आप, अगर मैं प्लेन सीट की बात करूँ तो प्लेन सीट यहाँ पर जो है नाम मात्र है। यहाँ पर आप जो है ये ना सोचे कि आप जो है काफ़ी सारे लोगों को इस पर लेके घुमा सकेंगे, तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दें। और वहीं अगर मैं MT की बात करूँ, MT में भी ऑल्दो इसी टाइप की सीट है, लेकिन जो ये है थोड़ी सी इससे कंफर्टेबल है। आप इसमें जो है अपने फ्रेंड के साथ घूम सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी घूम सकते हैं। RM5 में आपको ये चीज़ का इशू आने वाला है। अब मैं सेकेंड पॉइंट की अगर बात करूँ तो प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर मैं बताता हूँ, अगर आपकी बाइक गलती से क्रैश होती है, जो कि हो जाती है, कोई वैसी बात नहीं है कि नहीं होगी किसी की भी, तो हो जाती है, तो उसमें जो है आपको RM5 में बहुत ज़्यादा नुकसान आने वाला है। वहीं अगर मैं MT की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ स्क्रैचेस आएंगे, उसके अलावा ऐसे मेजर डैमेजेस इसमें नहीं आएंगे, लेकिन RM5 में आपको पता है फेयरिंग वाली बाइक है, और सारी ही फेयरिंग वाली बाइक्स में यह इशू होता है कि अगर ये क्रैश होती है तो फिर काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता जाता है। और जो है इसके अलावा एक जो थर्ड पॉइंट है वो है टूरिंग। आप इससे टूरिंग नहीं कर सकते RM5, और या MT से आप इजीली टूरिंग कर सकते हैं। आप जो है काफ़ी लंबी ट्रिप मार सकते हैं, और जो है इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको इतनी ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। तो परफॉर्मेंस तो ऑल तो दोनों ही बाइक में सेम है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसके अलावा अब जो यहाँ पर जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो ये है कि इसमें दोनों में ही आपको जो है सर्विसिंग सेम पड़ती है, ऑलमोस्ट इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, और बिल्ड क्वालिटी भी ऑलमोस्ट सेम ही है, बहुत ज़्यादा प्रीमियमनेस आपको इसमें नहीं मिलेगी। ऑल दो जो है यामाहा के ये प्रीमियम प्रोडक्ट ही हैं, और यहाँ पर जो लुक्स के मामले में अगर बात करूँ तो लुक्स में दोनों ही क्लियर हैं, हेड टर्नर हैं। आपको जो है अगर आप रोड पर निकलेंगे तो आपको जो है लोग मुड़ मुड़ के तो देखने वाले हैं, ये चीज़ में कोई भी जो है आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपको, अगर आप MT लेते हैं तो आपको थोड़ा सा जो है इससे प्राइस कम देने पड़ेंगे RM5 से, और जो है MT आपको थोड़ी सी जो है 10 से 15 हज़ार रुपये कम की पड़ेगी। अगर आप, मैं V4 की बात करूँ तो V4 जो है वो भी लगभग 2-2.15 के आसपास की पहुंच चुकी है, तो लगभग 10-15 हज़ार रुपये आपको ये सस्ती पड़ जाएगी, क्योंकि अब जो इसका करंट प्राइस चल रहा है वो ऑन रोड आई थिंक चल रहा है हमारे बरेली में, वो है 1,93,000, और ये आपको पड़ती है V4 की अगर मैं बात करूँ तो वो पड़ती है लगभग 2,15,000 रुपये की। तो जो है लगभग 25,000 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है, और 25,000 रुपये के फ़र्क में प्रैक्टिकल लाइफ में जो है MT आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपको सिर्फ सिंगल पर्सन है और आपको पता है कि यार मुझे तो बस अकेले ही राइड करना है, घर में और भी बाइक हैं, तब आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो है आपको जो है अगर एक रेसिंग बाइक रखने का मन है देन आप इसको डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा आपको जो है हेल्पफुल नहीं रहेगी, वहीं MT आपकी बहुत सारी चीज़ों में ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़फुल दिखेगी। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए लेने से पहले। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं तब तक के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।